हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं जी सब? आज हम देखने वाले हैं आई वेंट इन साइड टाटा मोटर्स प्लांट इन गुजरात, गगन चौधरी का वीडियो है। तो ये गए थे भाई टाटा मोटर्स के प्लांट में जो कि है गुजरात में, और गगन चौधरी है जी, और इनका व्लॉग हम देखने वाले हैं। तो चलिए जी, बढ़िया व्लॉग होते हैं। यस, तो जी इलेक्ट्रिक कार्स बेच बेच के टाटा मोटर्स जो है उन्होंने ना सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे बड़ा शेयर पा लिया है, ऑलमोस्ट 90% गाड़ियाँ वही बेचते हैं, बट उनके पास में एक सेपरेट प्लांट है इलेक्ट्रिक कार्स का। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद के पास में सानंद नाम की एक जगह है जहाँ पे फोर्ड का एक टाइम बहुत ही विश्व स्तरीय प्लांट लगा था, फिर वही प्लांट उनका भारी पड़ गया और वो छोड़ के भाग गए। तो वो प्लांट टाटा ने एक्वायर कर लिया और टाटा ने उसको इलेक्ट्रिक कार्स के लिए प्लांट बना दिया। आज हम वहीं जा रहे हैं, टाटा मोटर्स ने हमें बुलाया, हमें नहीं मतलब बहुत सारे लोगों को बुलाया, बोला आओ दिखाते हैं आपको कुछ, तो हमें चल कर देखते हैं भाई साहब कुछ क्या दिखा रहे हैं वो अंदर, तो देखना है अंकल 400 मीटर बाद इधर घूमना है। तो वहाँ जा रहे हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऐसा बहुत अजीब सा बड़ा सा नाम है उनकी कंपनी का, इलेक्ट्रिक कंपनी अलग है टाटा मोटर्स की। तो वो क्या दिखाते हैं हमें वो देखना ज़रूरी है, हमें क्या सीखने को मिलता है वो देखना ज़रूरी है। मुझे ये भी जानना है कि हम जो टाटा को बार बार क्रिटिसाइज करते रहते हैं फिट एंड फिनिश के लिए, हम जो टाटा को क्वालिटी चेक्स के लिए क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्या हमें ऑन ग्राउंड जाके पता चलता है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है? ऐसा नहीं है कि मैंने जीवन में बहुत प्लांट विजिट किए हैं, दो ही विजिट किए हैं, बट हाँ मतलब देखना चाहता हूँ मैं, लेट्स सी। तो पीछे जो गाड़ियाँ मूव होती हुई दिख रही है या अभी नहीं मूव हो रही, धीरे धीरे मूव होती जाएगी, वो है टाटा नेक्सॉन। पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकती है। वैसे मैंने बोला आपको इलेक्ट्रिक प्लांट में जा रहा हूँ, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक से ज़्यादा पेट्रोल डीजल जो है वो असेंबल हो रही है अभी। उसका रीज़न आप समझ पा रहे हो, मार्केट में कैसी डिमांड है उस हिसाब से चीज़ें चलती जा रही है, बट ये प्लांट टाटा मोटर पैसेंजर इलेक्ट्रिक का है, मतलब वो अलग कंपनी है तो उनका ये प्लांट हो गया। बट मैं आपको ये मूव होती गाड़ियाँ दिखाने नहीं, सब चीज़ें दिखाने आया हूँ। हम जाएंगे पेंट कहाँ हो रहा है वो देखेंगे, उसके बाद में बॉडी फिटमेंट मल्टीपल पार्ट जो है वो आके असेंबल हो रहे हैं, उन सब प्रोसेस को देखा जाएगा, और फिर मैं आपको ये देख के बताऊंगा कि कुछ फ़र्क है क्या है आसानंद में बनने वाले नेक्सॉन में और पहले जो दूसरी जगह बन रही थी महाराष्ट्र में उन नेक्सॉन में। वैसे वहाँ पे अभी भी बन रही है, यहाँ पे पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है, 4 ही महीने हुए इस प्लांट को चलते हुए, बट हमने पूरी तैयारी कर ली है। चश्मा बदलना पड़ेगा हमें, ये वाला चश्मा पहनना पड़ेगा क्योंकि प्लांट के अंदर सेफ्टी ज़रूरी है बाबू, आओ। बट पहले एक टिपिकल कार फैक्ट्री का फ्लो चार्ट समझ लो। सबसे पहले एक प्रेस शॉप होती है स्टील की शीट को बॉडी पैनल बनाने के लिए, फिर वेल्ड शॉप, फिर जाता है मामला पेंट शॉप में, फिर TCF जहाँ पे गाड़ी बन के रेडी होती है। कुछ प्लांट्स में TCF के बाद भी चेक पॉइंट्स होते हैं। आओ अब टाटा मोटर्स के इस प्लांट की वेल्ड शॉप में चलते हैं सीधा। पीछे यहाँ पे भैया एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लेके टेस्ट कर रहे हैं कि जो वेल्डिंग है वो प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है, सो दे डोंट लाइक बीट अराउंड एंड चेक, ऐसा वेल्डिंग के थ्रू चेक किया जाता है इस वाली मशीन के थ्रू। वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ दी और देखती है एकदम सही है या नहीं है वेल्डिंग प्रोसेस। तो मेरे पीछे एग्जैक्टली जो अभी चीज़ हो रही है वहाँ पे क्या है कि नीचे का फ्रेम साइड के पैनल्स वहाँ के जुड़ रहे हैं। टेक्निकली ये वो पार्ट है जहाँ पे गाड़ी गाड़ी जैसे दिखने लग जाती है, इससे पहले तो एकदम बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें वहाँ पे हो रही है। एंड इट्स इंटरेस्टिंगली मैंने लास्ट तो दूसरा फोर्ड का चेन्नई प्लांट में जैसे आपको दिखाया था कि वो अलग एक ऐसे डायरेक्शन में आके ऐसे मिल के फिर कर रहे हैं, यहाँ पे दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन और एक ही जगह मिल के और फिर आगे निकल जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस है ये। नहीं पीछे हो रहा है मेरे, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे चल रहा है, गाड़ी बन रही है। ओके जी, तो अभी अभी हमने पेंट शॉप जो है वो विज़िट किया, अंदर शूट करना अलाउड नहीं था तो हम अंदर कुछ शूट करके नहीं आए, बट ऑब्वियसली मैं देख के आया हूँ सब कुछ, तो क्या क्या प्रोसेस वगैरह है। नेक्सॉन ही दिखी हमें और नेक्सॉन ही हो रही है इस प्लांट में, बट सिर्फ नेक्सॉन पेट्रोल डीजल वाला ही शेल दिखा, इलेक्ट्रिक वाला दिखा नहीं, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक भी होता ही होगा यहाँ पे। एक चीज़ है कि यहाँ पे पेंट करने की टेक्नोलॉजी वगैरह काफ़ी अलग है, स्पेशली फोर्ड ने जब बनाया था तो उन्होंने बहुत अलग दिमाग लगा के बनाया था, वो स्पेशली बहुत बोस्ट करते थे कि हमारे सानंद प्लांट में बेस्ट ऑफ द पेंट टेक्नोलॉजीज है दुनिया की, ये वो। यहाँ पे ऑब्वियसली उन्हीं चीज़ों के ऊपर कुछ और रोबोट्स वगैरह लगा के काम जो है वो किया जा रहा है, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टाटा का जो टिपिकल पेंट वाला इशू है, पिन होल वाला इशू है, क्या वो यहाँ वाली गाड़ियों में होगा या नहीं होगा ये तो गाड़ियाँ जब बाहर आएगी तभी पता चलेगा, बट हाँ टेक्नोलॉजी सॉलिड है इनके पास में, मतलब एकदम ढंगी वाली। पेंट शॉप के बाद वैसे तो TCF आता है, बट हम लोग पहुंचे एक यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपको ये जानना हो कि टाटा मोटर्स ने एक्चुअली ऑटोमोटिव जो सेक्टर है उसमें कब चीज़ें शुरुआत की, तो थोड़े थोड़े क्लूज देना शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है JRD टाटा ने यहाँ पे पायलट लाइसेंस एक्वायर किया था 29 में। इट्स नॉट रियली ऑटोमोटिव जिसमें हम काउंट करते हैं एविएशन को, बट इट्स ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इट। फिर 32 में यू कैन से जो आज एयर इंडिया या विस्तारा ये सब देखते हैं उनकी शुरुआत वहाँ से हुई थी, टाटा एयरलाइंस कराची से मुंबई वाली फ्लाइट थी। बट द इंटरेस्टिंग बिट हैपेंड इन 1945
जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, यहाँ पे जो है टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी जिस टेलको, जिसकी फ़ोटो भी यहाँ पे एक अवेलेबल है हमारे पास में, जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स के लिए टाटा जो है ट्रक्स वगैरह असेंबल करते हैं, एक्चुअली उसकी भी फ़ोटो है यहाँ पे, ये देख पा रहे हो। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे शुरू हुई, बट टाटा मोटर्स नाम जो है बहुत लेट आया, आई थिंक 2003 समथिंग में वो नाम आया था। तो दैट्स वेयर स्टार्टेड। तो अभी हम आ गए नालंदा। नालंदा मतलब वो बिहार वाला नालंदा नहीं, टाटा मोटर्स के प्लांट के अंदर उन्होंने एक छोटा सा यूनिवर्सिटी कैंपस टाइप सेटअप कर रखा है, जहाँ पे उन्होंने गणपत यूनिवर्सिटी है गुजरात में उसे टाइप किया हुआ है। यहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ जिन्होंने आईटीआई किया है वो डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले बीटेक कर सकते हैं, बीटेक वाले एमटेक कर सकते हैं, बेसिकली हायर एजुकेशन यहीं पर परस्यू कर सकते हैं। जब शिफ्ट ख़त्म हो जाती है 3:30 बजे तो यहाँ आ जाते हैं पढ़ने। हम 3:30 बजे से पहले आ गए इसलिए हमें खाली मिल गया मामला, बट जेन्यूनली ऐसे प्रॉपर क्लासरूम टाइप सेटअप जो है वो बन रखा है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर क्लासरूम सेटअप जो है वो बना हुआ है यहाँ पे। और सबसे मस्त बात कि अगर आपको नहीं पढ़ना है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पढ़ना ही पड़ेगा, बट इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग कि जिनको पढ़ना है वो यहीं पे अपनी हायर एजुकेशन परस्यू भी कर सकते हैं और काम तो उनका चल ही रहा है। एंड इट इज़ नो एडेड कॉस्ट, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पे वे नहीं करना पड़ता, ये हमें इन्फॉर्म किया गया। पहले वो न्यूज़पेपर में आता था ना फ़र्क पहचानो टाइप्स, वो चीज़ आपको यहाँ करनी है। इस फोटो में दो चीज़ें गलत हैं, वो पहचाननी है आपको। हिंट देता हूँ, ईवी जहाँ जहाँ लिखा है उस पर फोकस करो। ओके जी, तो आप में से किसी एक बंदे की नेक्सॉन में यहाँ पे इंजन फिट किया जा रहा है, अभी मैं देखते हुए करवा रहा हूँ। मैं एकदम रेस्ट अश्योर्ड, मैं अपना भी ओके टेस्टेड उसे लगाऊंगा कि इंजन यहाँ पे फिट किया जा रहा है। और ये बेसिकली हम जिस एरिया में अभी यहाँ पे है TCF एरिया, वहाँ पे अलग अलग मतलब जो शेल है वो तो आ गया, उसमें अब चीज़ें फिट की जा रही है। तो इंजन जो है दूसरे वाले प्लांट से जो कि यहीं सानंद में ही है वहाँ से आया है, यहाँ फिट हो रहा है, मेरे पीछे पीछे फिट कर दिया उन्होंने, काम हो गया है। फिर उसमें आगे जो चीज़ें डालते जाएंगे, वायरिंग, उसके बाद सस्पेंशन वगैरह वगैरह, इट डिपेंड्स कौन सी कंपनी का प्लांट कौन सा है उस पर हिसाब से प्रोसेस अलग हो सकता है। जैसे यहाँ दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, बट किसी कंपनी में इस स्टेज पे दरवाजे लगे हो सकते हैं, किसी कंपनी के प्लांट में लगे होते हैं और दूसरे प्लांट में नहीं लगे होते हैं, ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं। बट हाँ, मोटा मोटी काम ये है। तो ये वाली ग्रेन एक्सॉन जिसको भी जा रही है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे एक ही शैसी को दो बहुत ही अलग तरीके की गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे उधर अगर आप ये देखो तो ये एक नेक्सॉन आइस व्हीकल है, वी कांट से दैट पेट्रोल है या डीजल है, ऐसे देख के नहीं बता पा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि कई कंपोनेंट फिट नहीं है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। बट यहाँ पे ईवी है मेरे पीछे, ये जो देख पा रहे हैं ये यहाँ पे मोटर आगे जो घूम रही है और आप नीचे इस पर वायरिंग वगैरह जो भी लगे देख सकते हो। तो सिमिलर टाइप ऑफ शैसी आ रही है, नीचे जो है ऑलरेडी उसकी इंजन या बैटरी या क्या आना है वो आ रही है। एक्चुअली बैटरी अभी तक नहीं आई है, बैटरी लगी हुई है ऑलरेडी उसमें, बैटरी ऑलरेडी लगी हुई है उसमें, और अब मोटर वगैरह जो है यहाँ पे फिट किया जाएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग केस, बट ये हर व्हीकल के साथ मूविंग फॉरवर्ड अब नहीं होगा, क्योंकि जैसे पंच ईवी जो है वो बॉर्न ईवी है, तो उसका फ्रेम और जो रेगुलर पंच है उसका फ्रेम थोड़ा अलग है। ओके, आपकी नेक्सॉन में यहाँ पे इंजन लग रहा है, जो पीछे देख रहे हैं आप इंजन जो है वो फिट हो रहा है इस वाले, हम जिस लाइन में अभी यहाँ पे आए हैं, यहाँ बेसिकली बॉडी जो है शेल जो है उसके अंदर पार्ट्स लगाए जाते हैं, तो इंजन जो है वो देखो फिट किया जा रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्टमेंट, मैनुअल इंटरफेरेंस की ज़रूरत है यहाँ पे ताकि एकदम फिट वो बैठ जाए। यहाँ पे इंजन, फिर आगे की तरफ सस्पेंशन, फिर आगे घूमते घामते बाकी डोर पैनल, दरवाजे हैं नहीं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे तो दरवाजे उतरे हुए हैं, इसके उतरे हुए दरवाजे कहीं और फिट हो रहे हैं और फिर एक साथ लगा दिए जाएंगे। इट्स डिफरेंट इन डिफरेंट कंपनीज, कई कंपनीज़ में ये प्रोसेस विद डोर्स हो जाता है, कई कंपनीज में डोर्स अलग से होता है, डिपेंड्स कि असेंबली लाइन कैसे डिज़ाइन की हुई है। एक और इंटरेस्टिंग बिट मैंने अभी भी नोटिस किया, जो ईवी है उसके सस्पेंशन के कॉइल और जो आइस वाला नेक्सॉन है पेट्रोल डीजल उसके सस्पेंशन के कॉइल्स में फ़र्क है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, मेरे को अभी तक नहीं पता था कि उसके कॉइल कितने हैं। उसमें 3 गोल कॉइल दिख रहे हैं, उसमें 4 लेकिन छोटे दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ऑब्वियसली वजन वगैरह काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, तो उस हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं, या राइड क्वालिटी को भी अलग अलग रखना होता है तो उसके हिसाब से चेंजेस है। ये तो ऐसे ही मैं अपना ज्ञान बांट रहा था, इसका आपसे अभी कोई इन्फॉर्मेशन से कोई ज़्यादा बड़ा ताल्लुकात आपको होगा नहीं। ओके जी, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी को ड्राई से वेट किया जाता है। यहाँ पे गाड़ी जो है उसमें कूलेंट ऑयल वगैरह डाले जाते हैं, ये जो मशीन है ये यहाँ पे फिल कर रहे हैं ये लोग, ये देख पा रहे हो आप ये कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, ये प्रोसेस में काफ़ी सारी पार्ट्स टकराते हैं गाड़ी के पैनल से, तो स्क्रैच वगैरह ना हो जाए, इसलिए वो पैनल वगैरह देख पा रहे हो आप ग्रे कलर के, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो चिपका देते हैं और वैसे फिर वो वापस निकल जाते हैं जब मतलब गाड़ी यहाँ से बाहर जा रही होती है, मतलब इट रिमेन्स ऑल द वे पूरे इसमें, जब एंड में फाइनली डोर वोर कनेक्ट करते हैं तब निकाल देते हैं उनको। तो ये बातें, अब ये ऊपर जाके ऐसे अलग अलग चीज़ें फिल करके वापस सेटल होके, अब जैसे ये आगे वाले में फिल करना है तो वहाँ चले गए,
इट कैन मूव। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि दरवाजे जो है वो निकाल लिए जाते हैं और बाद में लगाए जाते हैं, तो ये देखो दरवाजे लगे लगाए आ रहे हैं सारे पार्ट्स वगैरह। जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो बाहर की तरफ उधर लटक रही है, वो वहाँ पे रेड कलर का अगर आप देखो तो रेड वाली नेक्सॉन का दरवाज़ा या रेड ऑरेंज जो भी है उसका दरवाज़ा जो है वो फिट किया जा रहा है। तो पहले इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह जो है वो कपलर्स वगैरह फिट कर दिए जाते हैं, उसके बाद में वो लैच कर दिया जाता है उसमें। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है यहाँ पे मेरे पीछे, दिस इज़ PCF एरिया। बेसिकली लेमन टर्म्स में बताऊँ तो फिट एंड फिनिश चेक यहाँ पे होती है, और टाटा के पास में ये चीज़ पहले नहीं रही है। ये मतलब ठीक है वो हर बार चेक करते हैं, मशीन्स वगैरह सब वैसे ही प्रिपेयर करी होगी, बट यहाँ आके माइन्यूट लेवल पे भी चीज़ें चेक होती है कि एकदम सही है या नहीं है। तो जो हम लोग बैठ के पकड़ते रहते हैं कि ये नीचे क्यों है, ये ऊपर क्यों है, ये वो भी यहाँ चेक होते हैं। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम टाटा इज डूइंग इट। तो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, जब ये फाइनल हो जाएगा तो सारी गाड़ियाँ इसके थ्रू जाएगी, और ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, अभी नहीं। तो जब सब कुछ हो जाता है तो गाड़ी कुछ इस तरीके से जो है रोल कर जाती है फाइनल इंस्पेक्शन पार्ट में। यहाँ पे वहाँ पे इंजन क्रैंक हो रहा है, पहली दफ़े इंजन जो है क्रैंक हो रहा है वहाँ पर। मैं आपको समझाता हूँ वो क्या रहा है। बेसिकली सारे इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो वहाँ पे हो गए हैं, और अब गाड़ी को जो है स्टार्ट किया जाता है। एक्चुअली ये पहला मोमेंट है जहाँ पे कार स्टार्ट होती है प्रॉपर ऐसे बन के, और उसके बाद में जो है रोल करना शुरू कर देती है। इस पॉइंट तक सारी चीज़ें लगी हुई है गाड़ी में, कुछ टेस्ट करने और बाकी रह जाते हैं। शार्ट है, हेडलैम्प एडजस्टमेंट की, हेडलाइट जो है वो एडजस्ट हो रही है नहीं हो रही है, जो चीज़ें जैसे काम करनी चाहिए वैसे काम करी नहीं करी, कुछ कुछ टेस्ट बाकी रह जाते हैं। फिर वो टेस्ट के लिए जो है गाड़ी रेडी है। अभी क्रैंक हो गया है थोड़ी देर, मतलब वहाँ से यहाँ आते हुए 10-12 सेकंड इंजन ऑयल इधर उधर चलता है, और उसके बाद में फाइनली जहाँ पे ये असेंबली ख़त्म होती है वहाँ पे इट रोल्स आउट। टिपिकल प्रोसेस हैपन्स इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स, बट दिस इज़ हाउ इट हैपन्स इन सनन प्लांट। एक्सपोर्ट नाउ टाटा। हाँ जी, तो बात ये है कि हमारे इधर इन्वेस्टिगेशन एरिया है, और उधर आपकी आने वाली नेक्सॉन्स में से नेक्सॉन पड़ी है। टेक्निकली ये इलेक्ट्रिक प्लांट है, बट यहाँ पे खड़ी कोई भी गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं दिख रही है हमें, मोस्टली सारी पेट्रोल डीजल ही दिख रही है। देखते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी कहाँ, ढूंढ नहीं पाए अभी तक हम लोगों। तो जी ये फाइनली गाड़ी जब बन बना के आ जाती है तो कभी कभार यहाँ पे भी आती है। ये कस्टमर प्रोडक्ट एडिट एरिया, ऑडिट एरिया है, नॉट एडिट एरिया है, ऑडिट एरिया जहाँ पे बस बेसिक इंस्पेक्शन वगैरह चेक कर लिया जाता है गाड़ी का कि क्या कुछ कैसा है। रैंडम है ये, हर गाड़ी नहीं आएगी, ज़रूरी नहीं है आना है या नहीं आना है, बट ऐसा होता रहता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि गाड़ी प्लांट के अंदर अंदर कितने किलोमीटर चल जाती है, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हमने यहाँ पूछा किसी से, उन्होंने बोला 5 से 8 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन कार। कुछ गाड़ियाँ 8 तक चल जाती है, कुछ गाड़ियाँ 5 में चली जाती है, क्योंकि गाड़ी उतरी है इंस्पेक्शन के लिए जाएगी, फिर कहीं और जाएगी, फिर पार्किंग में जाएगी, फिर घूम के ट्रक में लोड होगी, तो इधर उधर डिपेंड करता है, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे चलती रहती है। तो ये उन एरियाज में से एक है। हम एक चीज़ सोच रहे थे कि क्या सानंद इस वाले इस प्लांट में असेंबल हुई गाड़ियाँ उनकी फिट एंड फिनिश ज़्यादा बेटर है, हमें ऐसा कुछ खास एविडेंस उसका मिला नहीं है। एंड ऑल्सो द फैक्ट, मैंने एक एरिया दिखाया था आपको PCF एरिया, वो बहुत नया है, अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसका, तो उसका असर दिखते दिखते अभी टाइम लगेगा। तो ये बात है। ओके जी, तो प्लांट का टूर जो है ऑलमोस्ट हमने ले लिया है, मतलब की एरियाज का टूर ले लिया, सारे एरियाज तो नहीं दिखाए गए। टेस्ट ट्रैक पे भी हम जाके आए, एक्सप्रेस कूलिंग ऑफ। ओके ओके, समझ गए थे हम एक्सप्रेस कूलिंग ऑफ है, नॉर्मल कूलिंग चल रहा है, इसलिए एसी चल रहा है, बट कोई बात नहीं इसको बताने दो। सो प्लान का टूर वगैरह पूरा हो गया, हमने ट्रैक पे भी जाके आए और थोड़ा सा उधर भी गाड़ी दौड़ाई हमने। तो आप में से कोई एक लकी विजेता है जिसकी गाड़ी जो डिलीवर होगी तो उसमें मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूँ, याद रखना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपकी किसी गाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ, चलो देख लिए कैसे गाड़ी देखा, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे बताइए, सबसे जो अच्छी चीज लगी है वो उसका कलर लगा कि कैसे वो पूरी गाड़ी डीप पूरी करते को डीप कर रहे थे ना। अच्छा, कौन कौन इससे पहले ये सोच रहा था कि जो गाड़ी को जब पेंट करते हैं तो वो शावर के साथ करते होंगे नई गाड़ी का, जैसे तुम नहीं सोच रहे थे? सारे सोच रहे थे, मेरे यही लगता था कि उसके साथ या करते हैं ये सब ब्रश होता है उसके साथ करते होंगे, मशीन सी बन वो गन मशीन गन 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 सी कलर गन जो होती है उससे, लेकिन ये तो पूरी गाड़ी अंदर ही करते थे। देखा भी तो वो तरीका ही हुआ ना, जहां से गाड़ी खराब होती थी कलर जब करते थे कि तरह का कलर खराब हो गया, पेंट करवाना है तो वो वही चीज से करते हैं ना, लेकिन जब न्यू बन के आती है तो उसका जो कलर होता है वो ऐसे उसको पूरा डिप किया जाता है और कितना शाइन करता है ना, इसीलिए उसकी शाइन और ये वो ना। और अच्छा, पूरी की पूरी गाड़ी को एक ही लेयर में मतलब वो हो जाता है ना, फिर ज्यादा काम वो मशीन का। कौन सी बिल्कुल
तो चलें जी, ये था वीडियो और हमने देखी ही है जी टाटा मोटर्स का प्लांट देखा है गुजरात में, जो कि काफी बड़ा प्लांट था, बहुत बिग प्लांट था, और जहां पर गाड़ियां बन रही हैं और जो आप लोग चला रहे हो। चले बाकी आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल।